नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ये स्टॉक में अभी लाइव मार्केट है एंड बेसिकली ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 64.80 पे। 19.34% का इसने अप मूव दिया है आज। लेट्स सी कहाँ इसकी क्लोजिंग होती है, बट उम्मीद है कि उसी के आसपास कहीं जाएगा। बेसिकली स्क्रीनर पे यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। हो गया, देखिए हो गया यहाँ पे भी अपडेट, सो ये थोड़ा वक्त भी लेता है। तो इस स्टॉक को हम पहले लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमने काफी बार बोला है कि इसका नाम इंजीनियरिंग वर्क्स क्यों हुआ था, एंड एक न्यूज भी आई है जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा पुश भी मिला है, तो अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखिए इसके मार्केट कैप हो गया 7,349 करोड़ की, मोटर होल्डिंग 57.20% है, बुक वैल्यू 2.29 है, डिविडेंड यील्ड इसकी 0.18 है, फेस वैल्यू 1 है। अभी के लिए स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड आज इसने एक न्यू हाई भी बनाया है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी पीई जो है मीडियम से काफी ऊपर है, 100 से ऊपर जा चुका है पीई, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर पीई के इसका पीई क्योंकि ग्रोथ फेज में है, पीई कंसीडर करना है तो पेग भी कंसीडर करेंगे, जिसका पेग का फुल फॉर्म होता है ग्रोथ एडजस्टेड पीई रेशियो। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे डाइव डाउन किया है, बट मुझे लगता है सेल्स वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज करी है एंड मुझे लगता है फ्यूचर इसका ब्राइट है। पर्सनली मेरा काफी फेवरेट है ये, तो यहाँ पे ये लगा चुका है अपर सर्किट इस टाइम पे। अब लेट्स सी ये सस्टेन करता है कि नहीं करता है। अभी 7 मिनट है हमारे पास मार्केट क्लोज होने में, तो अभी आगे हम इसके चार्ट पे देखिए। हमने काफी टाइम तक लंबे यहाँ पे लेके चले हम टारगेट की, आज लगाएगा 20% का अपर सर्किट, आज लगाएगा, तो मार्केट इसका साथ नहीं दे पा रही थी और ये निकल नहीं पा रहा। तो अभी रिवर्सल मिला आज मार्केट में, ये वॉर की न्यूज को चलते ये काफी मार्केट में करेक्शन हुई थी एंड काफी अपसाइड डाउन हुए थे, काफी वॉलेटिलिटी देखी गई थी स्टॉक्स में, पूरी मार्केट में ही वॉलेटिलिटी देखी गई है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। आज इसको सपोर्ट मिला, इसने न्यू टाइम ऑल टाइम हाई भी बनाया है एंड 52 वीक हाई भी है। ये जो इसका हाई था इसको इसने ब्रेक भी किया है एंड अभी के लिए तो लग रहा है मुझे कि सस्टेन करेगा। एक बार हम एक छोटा सा, मैं अपने फोन पे ही चेक कर रही हूँ, इसके ऑर्डर्स देख लेते हैं कि क्या है इसके ऑर्डर्स। तो अभी 27 लाख के आसपास के इसके बाइंग के ऑर्डर पड़े हैं, तो ये अपर सर्किट में अभी के लिए तो मुझे लगता है लॉक हो चुका है आज के लिए, विच इज अ वेरी गुड न्यूज एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। हमने बहुत ज्यादा वेट किया है, तो न्यूज पे चलते हैं, बीएससी पे चलते हैं। न्यूज क्या आई है देखिए, इसका प्राइस बैंड है 20% का एंड न्यूज जो आई है वो मैंने ओपन कर रखी है पहले ही, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया एंड आपको डिटेल में बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो काइंडली बियर विद मी एंड आप मेरी इसकी स्पीड जो प्लेबैक स्पीड होती है उसको थोड़ा सा ज्यादा करके थोड़ा सा कम टाइम देके देख सकते हैं वीडियो। सो न्यूज ये है कि वी एट लॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड आर प्लीज टू अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्डर फॉर नेवल इक्विपमेंट, मार्किंग एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजरी। तो ये नेवल इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, पहले तो इनको समझते हैं। नेवल इक्विपमेंट्स होते हैं जो नेवी में यूज होते हैं, उनको नेवल इक्विपमेंट्स कहते हैं, लैटिन वर्ड से आया है ये। तो बेसिकली नेवी डिफेंस के डिफेंस में उसमें होता है, हमारे नेवी जो है डिफेंस सेक्टर का है तो उसमें यूज होते हैं। अब ऑर्डर क्या आया है, ऑर्डर हमारे पास आया है लॉयड्स इंजीनियरिंग इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग सोल्यूशन इज प्लीज टू अनाउंस द एक्विजिशन ऑफ सिग्निफिकेंट ऑर्डर्स फॉर नेवल इक्विपमेंट्स, मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन द कंपनीज ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। द ऑर्डर वैल्यू ऑफ 81 करोड़, तो 81 करोड़ का इसको ऑर्डर आया है। एंड क्या है ऑर्डर, क्या है तो ये शिप स्टेयरिंग गियर सिस्टम एंड शिप स्टेबिलाईजर सिस्टम। अब इसको समझते हैं कि ये क्या होता है, ये है शिप गियरिंग सिस्टम। तो इसमें ना बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, बेसिकली बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील होता है, जो हम जिस डायरेक्शन में घुमाएंगे उस डायरेक्शन में घूम जाएगा, तो वैसे ही इसमें होता है, ये स्टेयरिंग व्हील टाइप होता है। इसका पूरा जो सिस्टम है ना, इसके अलग अलग देखिए, यहाँ पे स्टार्टर्स है, हाइड्रोलिक पंप है, फोर वेज वॉल्व है, रैम है, बाईपास वॉल्व है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम घुमाते हैं, ये अपने सारा ताम झाम करके ये जो हमारा यहाँ पे चीज है ना, इसको घुमाएगा एंड इससे डायरेक्शन एंड बाकी सारी चीजों को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा अब हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था ये शिप स्टेबलाइजर सिस्टम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो यहां पे आ गए हैं हम। शिप स्टेबलाइजर सिस्टम क्या होता है, यहां पे जो है ये
नहीं है शिप में स्टेबलाइजर सिस्टम नहीं, तो शिप कहाँ ऐसे वैसे गोते खाते घूम रही है। थोड़ा सा मैं इसको पीछे कर लेती हूँ, तो और यहाँ पे ये एक्टिव है, तो यहाँ पे इस वाली शिप में एक्टिव है तो ये स्टेबल है। तो ये दो जगहों पे यूज होता है, वैसे तो ये हॉरिजॉन्टल वाटर में भी होता है एंड वर्टिकल वाटर करंट में भी होता है, तो वो काफी डिटेल में है, अभी हमें उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या करता है, शिप स्टेबलाइजर, शिप एक्टिव स्टेबलाइजेशन अ सिस्टम दैट यूजेस पावर एंड कंट्रोल टू रिड्यूस द शिप रोल ड्यू टू विंड और वेव्स। इट कैन यूज फिन्स, टैंक्स और वेट्स दैट मूव टू रोल मोशन, तो बेसिकली काउंट्रैक्ट द रोल मोशन। तो बेसिकली जो भी जैसे वेव्स आते हैं, जैसे तूफान आते हैं, बड़े बड़े समुद्रों में जाते हैं एंड तूफान आ जाते हैं, कुछ होते हैं, मौसम खराब हो जाता है, मौसम खराब होने की वजह से कुछ होता है, तो वहां पे इन सारी चीजों को ये कंट्रोल करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्टिव रोल एंड पिच स्टेबिलाईजेशन है, तो मैंने वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए डाउनलोड करी कि आपको समझ आए कि क्या है। ठीक है, तो ये हो गया, अभी चलते हैं हम वापस अपने इस पे। तो और मैंने बड़ी बार बात करी है कि इसने अपना नेम लॉयड स्टील इंडस्ट्री से लॉयड इंजीनियरिंग किया है, तो बेसिकली क्यों किया है, तो यहाँ पे क्योंकि डिफेंस के ऑर्डर्स के लिए बहुत सारे ना क्राइटेरियाज होते हैं जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है, तो अब इंजीनियरिंग में है तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दीज ऑर्डर्स इन रिस्पेक्ट टू न्यू शिप बींग बिल्ड, तो ये ऑर्डर्स क्यों लिए गए हैं, न्यू शिप्स बन रही हैं उसके लिए हैं। सिग्निफाई द कंपनीज प्रोएक्टिव स्टेंस इन कैप्चरिंग द इंक्रीजिंग डिमांड रिजल्टिंग फॉर द गवर्नमेंट हाइटेंड डिफेंस स्पीडिंग स्पेंडिंग सॉरी आई एम सो सॉरी, मैं पता नहीं सब कुछ गलत क्यों पढ़ रही हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ आई थिंक। सो ओके, बैक टू न्यूज, एज न्यू शिप ऑर्डर कंटिन्यू टू राइज, तो न्यू शिप्स के ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। द ऑर्डर रिसीव्ड बाय लॉयड्स इंजीनियरिंग सर्व एज ए प्रोमिसिंग बिगनिंग इन द लेवरेजिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द ट्रेंड। एंड तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिफेंस को काफी सारा बजट मिला है एंड एवरीथिंग, तो उनका स्पेंडिंग जो है बढ़ गई है, तो उसके लिए ये न्यू शिप्स बना रहे हैं एंड ऑल दैट। तो यहाँ से देखिए, अब ना बड़ी सिंपल सी बात है, बिजनेस की एक बात होती है, अब इनको यहाँ से ऑर्डर आए हैं तो ऑफकोर्स बाकी कंपनी से भी आएंगे, राइट। तो डिफेंस के ऑर्डर्स को लेने के लिए ही इन्होंने अपना नेम चेंज किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, दीज ऑर्डर अंडरस्कोर लॉयड इंजीनियरिंग अंडर वेविंग कमिटमेंट टू इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन द डिफेंस सेक्टर। दे नॉट ओनली सिग्निफाई अ सब्सटेंशियल रेवेन्यू बूस्ट बट ऑल्सो रिप्रेजेंट द कंपनी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट टूवर्ड्स इमर्जिंग सेक्टर। तो बेसिकली इन्होंने यहाँ पे बोला है कि इन्होंने जो चेंज किया है, स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है टूवर्ड्स इमर्जिंग सेक्टर, अलाइनिंग द परफेक्टली विद इट्स विजन फॉर द फ्यूचर। तो बेसिकली इन्होंने जो नेम चेंज किया था एवरीथिंग, तो उसको ये बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब हमारा जो फ्यूचर का विजन है उसके साथ हम काम करने लग पड़े हैं। ये जो है मिस्टर श्री कृष्ण गुप्ता, इन्होंने भी बहुत ज्यादा यहाँ पे अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया है एंड अपना इन्होंने सारी चीजें बोली हैं, ये आप उस पर पढ़ सकते हैं, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं अभी ऑलरेडी 8 मिनट हो चुके हैं, तो अगर मैं डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी बात करते हैं, हमें देखिए ये अपर सर्किट में अभी के लिए लॉक हो चुका है एंड अभी बात करते हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है। देखिए RSI जो है इस टाइम पे ट्रेड करिए 71.38 पे, कल मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखी जा सकती है। आज इसने ऑल टाइम हाई बना दिया है न्यू, ये एक बहुत अच्छी न्यूज है। एंड आज जो वॉल्यूम आया है वो 4 करोड़ के आसपास आया है, आई थिंक उसको भी कर ही गया होगा बीट। तो अभी वॉल्यूम जो है NSE पे 39.92 मिलियन, मतलब 40 मिलियन का, 4 करोड़ का तो NSE पे आया है, तो उसको ऑफकोर्स बीट कर गया होगा, 4 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम इसका आ चुका है। तो अभी के लिए जो हम लेके चले थे अपने जो टारगेट लेके चले थे, ये हमने थोड़े से टारगेट कम किए थे क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म के टारगेट हैं, तो ये टारगेट हम जून के एंड तक के लेके चले थे, जो कि मैंने बोला था कि हो सकता है पहले हम अचीव कर लें, मुझे काफी उम्मीद थी कि हम कर जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी के लिए देखिए, पहले भी इस स्टॉक पे जब एनालिसिस आई थी तो बोला था कि इस, मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जो नेक्स्ट क्वार्टर एंड होगा उस क्वार्टर के एंड होने से पहले, मतलब जून के एंड से पहले पहले बड़े आराम से 100 तक तो ये ट्रेड कर रहा होगा, बट मतलब माड़ी हालत में भी मुझे लगता है कि ये कर रहा होगा, हालांकि उससे पहले की उम्मीद है। तो अभी फ्रेश एंट्री की बात करें, RSI 71.38 पे है, काफी अच्छी स्टेज पे है, बट RSI उस पॉइंट पे भी है जहां से थोड़ा सा ये हॉल्ट लेती है, तो ये भी थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली बात है।
मुझे लगता है कल इसमें थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है, एंड अगर इसमें थोड़ा सा करेक्शन भी आती है तो मुझे लगता है कि ये वाला इसका सपोर्ट अच्छा हो सकता है, 62.93 का, 63 का जो इसका पहले पुराना हाई था 62.90 का। तो मुझे लगता है ये वाला सपोर्ट इसका काफी स्ट्रांग बन सकता है। तो अभी के लिए फ्रेश एंट्री की बात करें तो एक बार मार्केट में, अभी ये थोड़ा सा गिरा है वैसे तो अपर सर्किट में लॉक नहीं हुआ है ये अभी के लिए, तो क्लोजिंग जो है इसकी अपर सर्किट में लॉक नहीं हुआ है, क्लोजिंग हो चुकी है एंड 18.78% का इसने अप मूव दिया है। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सके एंड मुझे लगता है ये वाला इसका सपोर्ट काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो फ्रेश एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है मार्केट में एक बार थोड़ा सा देख के फ्रेश एंट्री मुझे लगता है डेफिनेटली बनती है। टेक्निकली अगर देखें हम तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये हमें काफी अच्छे मूव और दे सकता है। तो फ्रेश एंट्री लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की डेफिनेटली बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए हमें जून का टारगेट जो हमने रखा है उसको अचीव करने के लिए हमें चाहिए लगभग लगभग जस्ट सेकेंड हमें चाहिए 54% के आसपास, एंड अभी हम अपना टारगेट लेके चल रहे हैं इस मंथ के एंड का, तो वो हम एक बार थोड़ा सा बना लेते हैं। तो ये पुराने पैटर्न जो मैंने एनालाइज किए थे उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि बड़े आराम से हम यहाँ तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है ये मंथ के एंड से पहले हम पहुंच जाएंगे, बट अभी के लिए यही टारगेट लेके चलते हैं। तो 72 तक मुझे लगता है हम बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। उसको पहुंचने के लिए हमें 13.29% के आसपास की जरूरत है, एंड मंथ एंड के तक के लिए हमारे पास ट्रेडिंग डेज हैं, जस्ट सेकेंड मैं कैलकुलेट एक बार कर लेती हूँ कितने ट्रेडिंग डेज है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सॉरी 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रेडिंग डेज है हमारे पास इस मंथ एंड तक के, एंड बड़े आराम से मुझे लगता है कंसोलिडेट भी अगर करता है तो ये टारगेट बड़े आराम से अचीव कर सकता है, अगर अगर मार्केट में कोई आगे से डिजास्टर न्यूज नहीं आई तो। अगर मार्केट में ही कोई ऐसी ग्लोबल न्यूज आ जाती है, कुछ हो जाता है तो एक डिफरेंट चीज है, बट जैसे आज मार्केट ने साथ दिया और इसने काफी अच्छा मूव दिया है तो मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छा मूव आगे भी दे सकता है। आरएसआई के पास बहुत सारा प्लेस है अभी मूव करने का, एंड आरएसआई यहाँ पे बहुत हाई भी होके आई है, एंड मुझे लगता है कि वो वाला पॉइंट अब फिर से आ सकता है, बट हम सिर्फ वो ही लगा के नहीं चलेंगे, वो वाला पॉइंट आ सकता है, थोड़ा सा हमें संभल के भी चलना है। आरएसआई यहाँ पे आके थोड़ा सा रिवर्स जहां पे अभी है वहां से रिवर्सल जरूर लेती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला माउंटेन, देखिए ये वाला माउंटेन फिर ये वाला माउंटेन, तो आरएसआई यहाँ से थोड़ा सा हॉल्ट भी लेती है, तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखने वाली है कि थोड़ा सा हो सकता है। तो अभी के लिए हमारा स्टॉप लॉस जो है 62.95 है, तो वो जो पुराना हाई था 62.90 है बेसिकली जो पुराना हाई था, तो इसको अभी हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे अपना मेजर वाला, एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी जो काफी टाइम से इसमें इन्वेस्टेड थे एंड काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सो आर वेट इज ओवर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाय सेल होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। हाय, सो स्टार्टिंग में हमने डिस्क्लेमर दिया था कि वीडियो के एंड में कुछ न्यूज़ है। सो जल्दी ही हमारे चैनल पे जहाँ पे ये आ रहा है वीडियो, यहाँ पे और भी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि सो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोस में ये बताया है कि हम कोर्सेज पे काम कर रहे हैं, एंड कोर्सेज में काफ़ी चीज़ें आने वाली हैं, उसमें स्ट्रेटजीज रहेंगी एंड कुछ चीज़ों को डीपली हम मैं कैसे एनालाइज करती हूँ या आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, तो उसके बारे में ना काफ़ी सारी चीज़ें रहेंगी कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हम अपना सकते हैं। तो बेसिकली मैं अभी थोड़ा छोटी सी मैंने एक चीज करने की कोशिश करी है, जो कि है बेसिकली जब मैंने 8 साल पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था, जो सीरियसली स्टार्ट किया था मैंने यहाँ पे करना इसमें शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो मुझे ना बड़े सारे चैलेंजेस आए थे, जैसे कि कोई इंडिकेटर लगा है तो कैसे लगा है, कोई मैंने पैटर्न बनाया है तो कैसे बनाया है, एंड जैसे कि मैं अभी इसी पे चल लेती हूँ, तो अभी मैंने इसकी वीडियो बनाई है इनफैक्ट, तो ये मैंने कैसे बनाया है, ये जो है इंडिकेटर्स ये कैसे काम करते हैं, ये जो सारा कुछ है ये कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है, एंड ये सारी चीज़ें कि ये सारे पैटर्न कैसे बनाने हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना कैसे एनालाइज करना है, तो मैं काफ़ी ब्लैंक होती थी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो मैंने कोर्सेज ज्वाइन किए थे जहाँ से मैंने सीखा था या जिन्होंने मुझे सिखाया था, तो मैं काफ़ी ब्लैंक रहती थी चीज़ों को देख के कि
क्या हो रहा है, कैसे होगा मेरे से। तो उस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने एक चीज करी है, मैं यहाँ पे क्योंकि जो कोर्सेज आने वाले हैं तो यहाँ पे बेसिकली फ्री में कुछ मटेरियल रहेगा, जैसे ये है हाउ टू फाइंड पेनी स्टॉक्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बताया है कि आप कौन से यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू पे एंड स्क्रीनर पे कैसे देख सकते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसपे मैंने इंडिकेटर्स क्यों हैं, कैसे लगाना है, कैसे डिलीट करना है, एक ही चार्ट में मल्टीपल इंडिकेटर्स कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है मैंने इसमें, इन वीडियोज में बताने वाली हूँ एक एक करके। एक ही वीडियो में नहीं होगा, एक एक करके कुछ वीडियोज आने वाली है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे को बहुत सारी ईमेल्स आती हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी थी, कुछ क्वेरीज हो तो आप मुझे बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम सीखना है कैसे आप एनालाइज करते हो, तो इसके बारे में सीखना है, तो उसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ ताकि जब आप कोर्स ज्वाइन करें यहाँ पे, जो भी कोर्सेज आने वाले हैं क्योंकि वो थोड़े से एडवांस होंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं वो कोर्सेज में इंडिकेटर लगाऊं कोई या कोई भी ऑसिलेटर लगाऊं, तो आप ना जीरो से स्टार्ट ना करें और आप ये ना हो कि ब्लैंक हो कि ये ऑसिलेटर क्या होता है, ये इंडिकेटर क्या होता है, या फिर मतलब कि बहुत सारे मतलब ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको लेके कि ये लाइन क्यों लगाई है, ये अप ट्रेंड में, क्योंकि अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड देखना, उसका रिवर्सल देखना, बहुत सारी ऐसी चीजें, तो आपको ना आप ब्लैंक ना हो, तो वो सारी चीजें एंड कैसे स्क्रीनर पे ढूंढना है, कैसे ट्रेंडी लाइन पे देखना है चीजें, कैसे उसका डेटा देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस जो होती है वो कैसे करनी है, तो उसके बेसिक्स जो है ना यहाँ पे फ्री में रहेंगे। दो सेक्शन बनेंगे, एक बनेगा कैंडल स्टिक पैटर्न का, उसमें मैं थोड़ा सा कैंडल स्टिक के बारे में बताऊंगी डिटेल में, ऑफकोर्स उसमें होगा कोर्सेज में, बट कैंडल स्टिक पैटर्न में वैसे सोच रही हूँ कि मैं सारा यहीं पे कवर करूंगी जो फ्री में अवेलेबल रहेगा, एंड वो रहेगा, एंड एक टूल्स का रहेगा जिसमें टूल्स में डिटेल में बताया होगा स्क्रीनर कैसे यूज करना है, ट्रेंडी लाइन कैसे यूज करना है, फिर जैसे एएसएम लिस्ट का कैसे देखना है, जो प्राइस बैंड चेंज होता है उसका कैसे देखते हैं, एंड जैसे कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करना है उसमें, अगर आप हो सकता है कि कोई इंट्राडे कर रहे हो, तो अभी इंट्राडे पे मैं फोकस नहीं कर रही हूँ बट आने वाले टाइम में ऑफ कोर्स करूंगी, तो इंट्राडे में उस पर जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कुछ कर रहे हो एंड आपने अपना कुछ ट्रेड लिया है, तो उसके ऊपर कैसे आपको अलर्ट्स लगाने हैं, अपनी वो विश लिस्ट कैसे बनानी है, वॉच लिस्ट कैसे बनानी है, तो ये सारी चीजों को ना मैं कवर करने वाली हूँ। एंड आने वाले टाइम में कुछ हमारे एजुकेटर्स हैं जो शेयर मार्केट में कुछ कंसिडरेबल अपना टाइम दे चुके हैं, काफ़ी 8-10-12 साल दे चुके हैं, तो उनको भी हम लेके आने वाले हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, जिनसे उस हमें काफ़ी सारा नो हाउ जानने को मिलेगा कि क्यों कहाँ कैसे किन कौन सी गलतियां हैं जिन जो हम ना करें तो हम बच सकते हैं, किस जिससे हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो, एंड कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा ट्रेड हमें बेटर ट्रेड मिले, कैसे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कैसे ढूंढने हैं स्टॉक्स जो कि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहे हैं एंड हो सकता है कि अब ब्रेकआउट देने वाले हों, तो वो कैसे ढूंढने हैं, तो ये सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे फ्री में थोड़ा सा करने वाली हूँ, एंड ये बहुत सारे हमारे चैनल पे आने वाले टाइम में काफ़ी सारे हमारे प्लान्स हैं इस चैनल को लेके, एंड आने वाले टाइम में हम कुछ ऐसे एजुकेटर्स को इनवाइट भी करना चाहते हैं एंड करने भी वाले हैं एंड कुछ हमारे साथ कोलैब भी करने वाले हैं, एंड मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि फ्री में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मिलने वाली हैं जो जिसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे पे कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड वर्क है ना वो यहाँ पे मिले, बेसिक का भी रहेगा यहाँ पे, एडवांस भी रहेगा एंड इंटरमीडिएट का भी रहेगा, तो जो एडवांस लोग हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जो वीडियोस बनेंगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वो कौन सी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो बेसिक से ट्राई करना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा समझ आए कुछ चीज़ें, इंटरमीडिएट अगर कुछ जानना चाहते होंगे तो वो बता सकते हैं कि आपको क्या जानना है, कुछ नहीं समझ आ रहा किसी चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो बता सकते हैं, एंड बेसिक वालों के लिए जो भी क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि हम बिल्कुल ही लेमैन लैंग्वेज में बिल्कुल ही सिंप्लीफाई करके जितना हो सकेगा उतनी कोशिश करूंगी मैं कि बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे बता सकूँ वो बिल्कुल, ताकि आप जीरो से स्टार्ट ना करें जब आप कोर्सेज ज्वाइन करें, चाहे हमारे चाहे किसी के, तो क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं तो हमारे करने होंगे तो हमारे कर सकते हैं, थोड़े टाइम में आने वाले हैं, किसी और के भी आप ज्वाइन करें तो आपको बेसिकली वो
एक होता है ना कि होमवर्क रहेगा आपका, कि आपको चीजें समझ आएंगी क्या हो रही है. ठीक है, तो रेस्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग. तो अभी वीडियोस डली नहीं है, डलने वाली है, एंड कोई अगर इस वीडियो को लेट सुन रहा है तो आप जाके चेक कर सकते हैं, हो सकता है डल चुकी हूँ अभी तक वीडियो. ठीक है, थैंक यू.